व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू ट्रैवल थिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, मेरे को उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में विच कैन सेव यू थाउजेंड्स ऑफ रुपीस। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पॉट्रोनिक्स के A20 के बारे में। तो गाइस, मान लो आप अभी कोई रिसेंटली कार परचेज करते हो और वो एक सेकेंड हैंड कार है जिसके स्टीरियो में ब्लूटूथ कनेक्शन आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप अपना पूरा स्टीरियो सिस्टम चेंज करा सकते हो विच कैन कॉस्ट यू अप टू 10,000 और इवन मोर, और यू कैन बाय दिस स्मॉल प्रोडक्ट विच विल गो इनटू योर लाइटर पोर्ट एंड इट कॉस्ट ओनली 700 रुपीज़। अभी शायद 540 के अराउंड मिल रहा था अमेजोन पे लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था। पर्सनली मैंने इसे अराउंड 700 to 800 के अराउंड परचेज किया था और इसे मैं 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो अब जाके मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो गाइस, इसमें बेसिकली होएगा क्या, जो आपका लाइटर पोर्ट है उसके अंदर आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी, मेरे वाले में 87.50 है, आपने FM ऑन करना है अपनी कार का और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। गाइस, हमारी कार में यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑडियो डिवाइस में ब्लूटूथ में A20 दिख रहा है अभी। ऑल तो मैंने कार ऑन करी नहीं है, वहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये लगा हुआ है, स्टीरियो ऑफ है। तो एक बार पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखो कि गाइस उसमें लाइट आ गई है, 12:13 लिखा रहा है, BT लिखा रहा है, यहाँ पे 87.50 FM चल रहा है, 87.5 आ चुका है, यहाँ पे भी 87.5 आ चुका है और यहाँ पे इंस्टेंटली ये कनेक्ट हो चुका है। तो कनेक्शन रेडी है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपने फ़ोन पे एक म्यूज़िक प्ले करना है और वो आपके यहाँ स्टीरियो में प्ले होने लग जाएगा। बेस बूस्ट दबाओगे तो आपका बेस इंक्रीज हो जाएगा, कॉल ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है 5 सेकेंड्स के अंदर। जैसे आपको कॉल आएगी फ़ोन पे, ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड्स में ये पिकअप कर लेगा और फिर आप इस माइक्रोफोन के थ्रू बोल सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ चलाओ और अपने ब्लूटूथ को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लो। इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 5.3 आई थिंक लेटेस्ट चल रहा है, बट 5.1 इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज इन दी एंड आपका जो फ़ोन होएगा वो कार के अंदर ही होएगा, तो रेंज का ज़्यादा कोई इशू आएगा नहीं। दूसरी चीज़ गाइस जो आपको इसमें मिलती है वो है फास्ट चार्जिंग, एक रेगुलर चार्जिंग और एक आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है। तो आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं और एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो पोर्ट्स के मामले में इट इज़ क्वाइट रिच। फिर आप गाइस इससे कॉल भी पिकअप कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको एक माइक भी मिलता है, तो जब आप कॉल्स उठाओगे तो आप इस माइक के थ्रू बोल भी सकते हो। थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा और माइक की क्वालिटी डिसेंट है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इट विल वर्क फाइन। तो आप कॉल पिकअप कर सकते हो, आप इससे म्यूज़िक स्ट्रीम कर सकते हो वाया ब्लूटूथ। और गाइस, इसमें एक और स्पेशल फीचर दिया गया है जिसका नाम है बेस बूस्ट, और ये सच में काम करता है। तो जैसे ही गाइस आप बेस बूस्ट दबाओगे, बेस एक्सटेंसिवली बढ़ जाएगी और इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी कि आपकी पूरी कार शेक हो सकती है इस छोटे से डिवाइस से। तो क्या आपको बाय करना चाहिए? मैं बोलूँगा डेफिनेटली बाय करना चाहिए। जो आपको इसमें चार्जर मिलते हैं, जो टाइप सी पोर्ट है वो आपको 12 वॉट का मिलता है और जो फास्ट चार्जर मिलता है वो 18 वॉट्स का मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि पोर्ट के हिसाब से भी अच्छा है, माइक क्वालिटी भी डिसेंट है, एक नए स्टीरियो की जगह अगर आप ये छोटा सा प्रोडक्ट ले लो तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा आपके लिए। या आप किसी भी उस कार में लगा सकते हो जिसमें ब्लूटूथ नहीं है और एक लाइटर पोर्ट है, और अगर आपकी कार में लाइटर वाला पोर्ट भी नहीं है देन यू कैन डू वन थिंग कि लाइटर जो पोर्ट होता है वो कहीं से भी इंस्टॉल हो जाता है, आई थिंक 200-300 में हो जाता है, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला। 1 ईयर की वारंटी मिलती है आपको इस प्रोडक्ट के साथ। पोट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है, वीडियो स्पॉन्सर नहीं है ये, मैंने खुद परचेज़ किया और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। मार्केट में आपको और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपकी गाइस जो कार की वॉल्यूम है लेट्स जस्ट से 100% वॉल्यूम आती है जब आपने ये वाला कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो जब आप 100 पे मैक्स वॉल्यूम पे सुनोगे आपको 80 के अराउंड वॉल्यूम आएगी, तो थोड़ा सा वॉल्यूम ड्रॉप होता है। और अगर मैं वॉइस की क्वालिटी की बात करूँ, ऑडियो की क्वालिटी की बात करूँ, हाँ थोड़ा सा इफेक्ट आता है, बट आई थिंक 2-3 डेज में आप यूज टू हो जाओगे उसे। तो गाइस, मैंने एक सॉन्ग प्ले कर दिया MCS का, फ़ोन से मैं वॉल्यूम फुल कर देता हूँ और स्पीकर पे अपनी वॉल्यूम है 22-23, अभी 25 में गाइस। अब हम क्या करते हैं, बेस बूस्ट करते हैं और फिर ऑडियो देखते हैं। सिग्निफिकेंटली गाइस बेस आ रहा है, अच्छा बेस है और बेस बूस्ट से नो डाउट काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक बार फुल पे भी करके देखें,
ये गाइस फुल वॉल्यूम है। अगर हम एक काम करते हैं कि हम अगर इस पे बेस बूस्ट कर देते और फिर कोई फुल वॉल्यूम करते तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती और उसमें ऑडियो काफ़ी ज़्यादा आती, बट अभी हमने इतना ही किया बिकॉज अभी मैं घर के अंदर ही हूँ तो मैंने बोला इतनी वॉल्यूम बहुत होगी। तो इससे गाइस आप एक आइडिया लगा सकते हो, एस्टिमेशन लगा सकते हो कि जो टॉप वॉल्यूम है वो कितनी ज़्यादा जाती। मेरे को उम्मीद है आपको अच्छा लगा। सो या बाकी की वीडियो देखते हैं। तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करो प्राइस डिफरेंस 700 के प्रोडक्ट में और वर्सेस 7000 में, तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप एक स्टीरियो भी नहीं चेंज करवाना चाहते और आप सिर्फ अपना म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हो वाया ब्लूटूथ, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होएगा। मेरे को बताना गाइस आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर हर हफ्ते नई वीडियो आती है, मेक श्योर अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे तो गाइस आज के व्लॉग में एक ट्रैवल वीडियो आने वाली थी, बट हुआ क्या कि जब मैं एक्चुअली मैं ऋषिकेश में था, तो जब मैं अपना ट्रैवल व्लॉग शूट कर रहा था जो मेरे GoPro के अंदर मेमोरी कार्ड होता है वो कहीं लॉस्ट हो गया और उसके अंदर सारा डाटा लॉस्ट हो गया। कहीं ऐसे शॉट्स थे जो मैंने बी रोल्स लिए थे फ़ोन से भी, बट उससे व्लॉग बन नहीं सकता, तो आधा अधूरा व्लॉग पाने का फ़ायदा नहीं। तो मैंने बोला कि आज मैं सुबह आया हूँ और मैंने बोला आज सबसे पहले एक वीडियो बना लेते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि कार एसेसरीज़ वाली जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके बाद मैंने कोई वीडियो लॉन्च नहीं करी कार्स के ऊपर, तो ये एक वीडियो आज मैं लॉन्च करना चाहता था आप सबके लिए। मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। यही कहना था, टिल देन गाइस राइड सेफ, टेक केयर एंड